नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आपने पाठ अच्छे से रीड कर लिया होगा। जी हाँ, पाठ 8 जिसका नाम है उजाला। हमने रीडिंग कंप्लीट किया और एक्सप्लेनेशन भी ओवर हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कशीट की ओर। तो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज वर्कशीट ऑफ लेसन 8 उजाला। तो आप सब रेडी हैं वर्कशीट रीडिंग के लिए? लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट रीडिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ वर्कशीट पार्ट 8 उजाला। सोचिए और बताइए, लेखक को स्टेशन से जवाहर कॉलोनी अकेले जाने में क्यों डर लग रहा था? आई रिपीट, मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ। लेखक को स्टेशन से जवाहर कॉलोनी अकेले जाने में क्यों डर लग रहा था? लेखक को स्टेशन से अपने घर जवाहर कॉलोनी में जाने में इसलिए डर लग रहा था क्योंकि रात का घना अंधेरा था, सड़क सुनसान थी और दोनों तरफ बल्ब टूट चुके थे। तो इन्हीं वजह से लेखक को स्टेशन से जवाहर कॉलोनी जाने में डर लग रहा था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने कैसे जाना होगा कि लालटेन ये जो राहगीर चल रहे हैं वे अंधे हैं? लेखक ने कैसे जाना होगा कि राहगीर अंधे हैं? लेखक जब भी राहगीर के पास पहुंचे, उनसे बात हुई, वार्तालाप हुई, तभी लेखक ने जाना कि राहगीर अंधे हैं। ओके। तीसरा है, लेखक को कहाँ जाना था? लेखक को जवाहर कॉलोनी जाना था। सिर्फ ये वन लाइन आंसर है। चौथा है, लेखक राहगीर का कौन सा प्रश्न सुनकर सकपका गए? लेखक राहगीर का कौन सा प्रश्न सुनकर सकपका गए? क्या बात थी कि लेखक बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, खामोश हो गए। उनका जब प्रश्न सुना तो वो कौन सा प्रश्न था? जब रागी ने उनसे पूछा, लेखक से पूछा कि आपके पास कोई रोशनी का इंतजाम है, तो यह प्रश्न सुनकर लेखक क्या हो गए? सब पका गए। ठीक है, लघु उत्तर दीजिए। रिक्शा चालक जवाहर कॉलोनी जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? रिक्शा चालक जवाहर कॉलोनी जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? जो वहां पर रिक्शा चालक स्टेशन के बाहर खड़े थे, वे जवाहर कॉलोनी जाने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? तो आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि रात का घना अंधेरा था और स्टेशन से जवाहर कॉलोनी काफी दूर थी। तो इन्हीं
हंसते मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।